माइंट्रा बट योर एक्सपी योर ग्राफिक्स हायर। आज गाइस यार यही होने वाला है और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में बहुत ही ज़्यादा ही ओपी वाले ग्राफिक्स होने वाले हैं। मेरा फ़ोन जो है यार वो क्रैश होने से बचा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो इसी बात पर। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो मुझे यहाँ पे गाय नज़र आ रही है, अभी इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी सबसे पहले इसी से एक्सपी लूँगा। जब हमारा एक्सपी 1 हो जाएगा तो हमारे ग्राफिक्स बढ़ जाएंगे। अभी तो ये टट्टी ग्राफिक्स हैं, अभी जल्दी है इसको मार दूँगा। रुक जा तेरी तो नितल पहली पुल तक मैं नितल इसको तो ख़त्म कर दी। अभी जल्दी से यार टूल्स बना लेते हैं क्योंकि यार बहुत ही यार देर लग जाएगी इनको मारने में बगैर टूल के। हाथों से मारने में यार बहुत टाइम लग जाता है। ओके तो यहाँ पे जल्दी से वुडन को चॉप कर लेते हैं, सॉरी बॉब कर लेते हैं, चॉप नहीं। ओके तो यहाँ पे जल्दी से बॉब कर लिया मैंने वुड को और यहाँ पे और ये हो चुका है। यहाँ पे जल्दी से सारे टूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यार अभी के इतने बुरे नहीं है यार, मुझे इससे ज़्यादा टट्टी ग्राफिक्स नहीं मिले यार। जावा के लिए बहुत टट्टी ग्राफिक्स हैं, बेडरॉक के लिए इतना नहीं मिले। ओके यार मैंने दूसरा क्राफ्टिंग टेबल क्यों बना लिया, मैं अभी पागल ही हूँ। चलो यहाँ पे जल्दी से मैं एक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। अभी सभी जानवरों की ऐसी की तैसी करूँगा, अभी सारी एक्सपी गेन कर। तो मेरी एक्सपी एक हो चुकी है और ये हमारे ग्राफिक्स तो नॉर्मल हो चुके हैं और हमारे नॉर्मल ग्राफिक्स में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो टट्टी वाले ग्राफिक्स यार खेलने में भी गंदा लग रहा था। जल्दी से इसको मार देता हूँ यार और भी यहाँ पे हम लोग पिकेक्स बना लेते हैं और हमारे टूल्स को यहाँ पे जल्दी से मैं स्टोन को माइन कर लेता हूँ और टूल्स को भी अपग्रेड कर देते हैं हम स्टोन में। यहाँ पे सारे ओके तो मैंने सारे के सारे टूल्स को काफ़ी सारा स्टोन मैंने यहाँ पे जमा कर दिया है। ओके जल्दी से यहाँ पे टूल्स को भी अपग्रेड कर लेते हैं हमारे स्टोन में। यहाँ पे सारे के सारे स्टोन के टूल्स बना लेते हैं और एक फर्नेस भी क्राफ्ट कर ही लेते हैं। ओके तो यहाँ पे फर्नेस भी आ चुके हैं, उसको अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं और अपनी इन्वेंट्री के साउट आउट कर लेते हैं। तो अपनी इन्वेंट्री साउट कर ली है मैंने, साउट आउट क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ पे रख देता हूँ रखने के लिए। और जब मैं इसको निकालूंगा थोड़ी बहुत एक्स भी तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पे हमारे विलेजर भाऊ से हम थोड़ी बहुत वुड ले लेते हैं, हमारे भाऊ बुरा नहीं मानेंगे। ओके और यहाँ पे मैं स्लैब्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि वह फ्यूल का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। ओके यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्लैब्स। ओके तो यहाँ पे सारे के सारे स्लैब को यहाँ पे एज अ फ्यूल को डालते हैं या एक प्लैंक को फेंक देते हैं। ओके तो यहाँ पे थोड़े बहुत और जानवर हम लोग मार लेते हैं एक्सपी के लिए। ओके तो इस खाने को भी फर्नेस में पकने के लिए डाल देते हैं और फिर से चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ और फिर से चलते हैं कुटाई करने। ओके तो मेरी ये एक्सपी 3 होने वाली है। यहाँ पे मैंने ये खाना निकालो और देखते हैं और ये मेरी 3 एक्सपी कैसे। यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला यहाँ पे शेडर लग चुका है और यार ये देखो यार पानी कितना सही हो चुका है। एंड में जो ग्राफिक्स आने वाले हैं उनको देख के तो आप एकदम ही शौक हो जाने वाले। और यार ये भी बहुत ही ज़्यादा सही ग्राफिक्स है और यहाँ पे ये सूरज को देखो यार शाम हो रही है, जल्द से सोने चलते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे हमारा सारा का सारा सामान ले लेते हैं। गाइस यार मैं बहुत ही यार खुश हूँ यार, इतना सही ग्राफिक्स यार भाई साहब। और एंड में यार वीडियो को यार एंड तक देखते रहो, ऐसे ही एंड में इतने कूल ग्राफिक्स दिखाऊंगा ना हैरान हो जाओगे। ओके तो यहाँ पे जल्दी से मैं थोड़ा बहुत क्यों एक बेड ढूंढ लेता हूँ और सोते हैं हम लोग बेड पे और ये इस घर में होगा। ओके विलेजर भाऊ जल्दी से उठो यार मेरे को सोने दो, मैं सोऊंगा तो तभी सुबह होगी ना, इनके सोने से कहाँ सुबह होनी। ओके तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, जल्दी से भाई। ओके तो बाहर को हम लोग चलते हैं। सुबह यार क्या ही सही मौसम लग रहा है इस शेटर में यार, सूरज को चेक करो यार
यार इमोट नहीं करना मेरे को, जल्दी से आगे चलो यार। ओके तो यहाँ पे थोड़े बहुत और एनिमल्स को मार लेता हूँ। ओके तो मेरी 5 एक्सपी होने ही वाली है, बस यार इस आयरन गोलम को मार के आयरन ले लेते हैं और फिर हम लोग आयरन की एक्स से मारेंगे। मुझे पता है आयरन गोलम से तो कोई एक्सपी नहीं मिलने वाली, पर फिर भी यार ले लेते हैं, मार लेते हैं इसको। ओके तो ये लास्ट हिट और आयरन गोलम को मैंने मार दी। कंजूसी कहीं कहने यार मुझे 3 ही आयरन दिए, चलो मुझे 3 की ज़रूरत थी, मैंने कहा यार 1-2 और दे देता, चलो कोई बात नहीं यहाँ पे मैं एक्स बना लेता हूँ। पर यार विलेजर भाऊ यार थोड़ी सी वुड दे दो यार। ओके तो मैं विलेजर भाऊ से थोड़ी सी वुड को बॉब कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टिक्स को भी बना लेते हैं और अभी एक्स को बनाते हैं हमारी आयरन की, जिससे हम लोग जल्दी जल्दी एनिमल्स को मार पाएंगे और हमारी 5 एक्सपी होने वाली है यार गाइस यार, और 5 एक्सपी पे देखना यार क्या ही तगड़े ग्राफिक्स हो जाएंगे। ओके यहाँ पे थोड़े बहुत और एनिमल्स बना। ओके तो मुझे एक ही एनिमल को मारना और हमारे हाई ग्राफिक्स और निकल जाएंगे। अभी यार इधर आ यार हमारे हाई ग्राफिक्स एनिमल। ओ माय गॉड यार इतने तगड़े ग्राफिक्स भाई साहब, रियलिस्टिक लग रहा है। अभी तुम लोग को नहीं लग रहा होगा, बस थोड़ा बहुत मेरे साथ देखते रहो भाई साहब। ये वुड का टेक्सचर चेक करो यार, और ये डोर का टेक्सचर चेक करो यार, ये बेड का टेक्सचर चेक करो यार भाई साहब, पूरी माइनक्राफ्ट चेंज करके रख दी। और ये फोग ने तो यार चांद चांद लगा दिए यार इस शेडर में, ऐसे टेक्सचर पे भाई साहब। ये विलेजर को तो देखो यार कितना फनी लग रहा है भाई साहब, इसने ट्रेड भी फिर भी घटिया ही दे रहा है। ऊपर वाला विलेजर देखो यार, सभी लोग अब अलग अलग लग रहे हैं, पहले सब लोग एक ही जैसे लगते थे। भाई साहब ये क्राफ्टिंग टेबल है, ये क्या कर दिया इसको यार, ये तो वही आइटम होगी जिससे यार जिसमें हनी इसको स्टोर करते हैं। और ये काउ को देख लो यार भाई साहब कितनी फनी लग रही है। अरे भाई साहब इसने कैसा मीट दिया यार, रियलिस्टिक टाइप का यार भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ यार इतने सही ग्राफिक्स, बस यार मेरा गेम ना क्रैश कर जाए। अरे ये ग्रेवल है, ये ग्रेवल का टेक्सचर ऐसा तो नहीं होता, एक मिनट ऐसा तो नहीं अब होता यार, एक मिनट ग्रेवल कहाँ गया, ये तो नहीं है। ओके ये रहा ग्रेवल। अरे भाई साहब इसके अंदर यार एक एक डिटेलिंग क्या लग रही है। अरे ये कोबल स्टोन चेक करो यार, एक थोड़े बहुत एनिमल्स को भी देखते हैं उनका टेक्सचर चेंज हुआ है। ओके तो इस तरफ यार पहले ढेर सारे मिल रहे थे, अब मारा तो यार एक भी नहीं मिल रहा। अरे भाई साहब ये स्मिथी है, एक मिनट इधर मुँह करें। अरे भाई स्मिथी हेलो। अरे भाई साहब ये तो निक फ्यूरी का दूसरा भाई लग रहा है निक फ्यूरी। अरे भाई साहब ये चिकन है भाई साहब, एक मिनट एक वाइट चिकन, भाई तो इनके टाइप्स भी यार कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम ही रियलिस्टिक टाइप का ये कबाब। अरे भाई साहब ये पानी चेक करो यार, और ये इसके अंदर सांड मतलब सैंड चेक करो। पर यार थोड़े बहुत क्लाउड्स थोड़े ग्लिच कर चुके हैं, पर कोई बात नहीं। अरे भाई साहब इतनी देर से मैं भाई साहब ही कही जा रहा हूँ, ये बिल्ली का टेक्सचर नहीं चेंज हुआ। ओके थोड़ा बहुत और टेक्सचर को चेक करते हैं, और ये बेल इनकी बेल इसके भी टेक्सचर चेंज, और ये शीप को चेक करें, शीप कम यार बकरी ज़्यादा लग रही है और मैंने इसको मार दिया, पेड़ कम बकरी लग रही। गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही यार, इतने रियलिस्टिक ग्राफिक्स और पीछे यार तुम लोग देख ही सकते हो कितने ही बढ़िया ग्राफिक्स मैंने कर दिए हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो इसी पे, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।